بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ هما فی الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ہر کہیں دا ہوندا اپنا ڈھنگ تے ڈھوئے کسے ڈھنگ تے ڈھونو میں کافر نہیں آندا. کسے نال نہ ذاتی کوئی اختلاف ہے کسے ایک یا دونوں میں کافر نہیں آندا. سمجھدا جو وکھرا گروہ ہے کسے گروہ نوں بھی میں کافر نہیں آندا. جڑا کلمہ پڑھ دے او مسلمان ہوندا ہے جڑا کلمہ پڑھ دے او مسلمان ہوندے کسے کلمہ گونو میں کافر نہیں آندا. مگر اے ناممکن اے سولی تے چڑھ کے مگر اے ناممکن اے سولی تے چڑھ کے کالک سفیدی دی پہچان آکھاں. جڑا کتا بھونکے صدیق اکبر نو دسو میں اونو کیویں مسلمان آکھاں. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سید کائنات امام کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین نور الہدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو نوجوان بھائیو اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اج دے میرے اور تواڈے اس خطبہ دی بر وقت حاضری نو اپنے دربار اندر قبول و مقبول و منظور فرمائے. خطبہ مسنونہ دے اندر جو مقام قرآنی تلاوت کرنے دی سعادت حاصل ہوئی ہے او دی روشنی دے اندر چند گزارشات عرض کراں گا حضرات صحاب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے نال اول بالخصوص سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی جنے بندے بیٹھے ہو انہیں بولتے نہیں پے سارے بولو تے آواز آنی کہو رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں دو بیویاں سن. ایک بیوی دا نام ہے بھائی جان اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری بیوی جناب صدیق رضی اللہ عنہ دی انہ دا نام ہے ام رومان رضی اللہ تعالی. اے ام رومان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دی والدہ ہے.
जनाबे आयशा उम्मे रमान दे बतन चो सण दूसरी अपनी मां दूसरी बीवी जनाबे सिद्दीक दी अस्मा बिनत उमैस उन्हां चो नहीं सन। हुण तवज्जो मेरे अल रहे तुहाडी ये याद करो कीमती बात है इंशाल्लाह फायदा देगी दुनिया आखरत अंदर। अस्मा बिनत उमैस रजी अल्लाह जिहड़ी जनाबे सिद्दीक रजी अल्लाह की दूसरी बीवी है उहदे विच अल्लाह ने जनाबे सिद्दीक नूं बेटा ता फरमाया जिहदा नाम रख्या मुहम्मद। नबी अलैहिस्सलाम दे नाम ते और जनाबे अबू बकर रजी अल्लाह दे इस बेटे मुहम्मद रजी अल्लाह दे विचो फिर अगे अल्लाह ने बेटा ता फरमाया मुहम्मद नू और अबू बकर दा की लग्या जज़ाकुमुल्लाह खैर अजरकुम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह दा की लग्या जी पोतरा उन्हां दा नाम रखिया जनाबे कासिम। जनाबे कासिम बेटा है मुहम्मद दा मुहम्मद बेटा है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दा। हुण दूसरी तरफ आ जाओ दूसरी जो बीवी है जनाबे सिद्दीक रजी अल्लाह दी उम्मे रुमान जिहड़ी हजरत आयशा रजी अल्लाह दी वालदे माजद है उन्हां विचों अल्लाह ने जनाबे सिद्दीक नूं बेटा ता फरमाया नाम है बेटे दा अब्दुल रहमान रजी अल्लाह तआला। अब्दुल रहमान बेटा है जनाबे सिद्दीक दा अब्दुल रहमान दी शादी हुंदी अब्दुल रहमान नूं अल्लाह ताला ने धी बेटी अता फरमाई उहदा नाम है अस्मा कहो रजी अल्लाह ताला अना। हुण तवज्जो करो अस्मा बेटी है अब्दुल रहमान दी अब्दुल रहमान बेटा है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला दा और ये उम्र रुमान दे विचो है यानी अस्मा जनाबे सिद्दीक दी लगी नवासी और जनाबे कासिम लगा जनाबे सिद्दीक दा पोता पोतरा ते दोत्री इन्हां दा आपस अंदर होया निकाह जनाबे कासिम और जनाबे अस्मा दा निकाह आपस होया। इन्हां दोवां दे निकाह दे बाद अल्लाह ने इन्हां नूं इक धी अता फरमाई जिसका नाम है जनाबे उम्मे फरवा। ठीक है भाई इत्थे हुण ठहरे जे कि जनाबे उम्मे फरवा दूसरी तरफ मैं तुहानूं लै जाना शजरे और नसब ते गौर करना। मेरे अली अलैहि सलाम दे दो बेटे ने मारूफे जमाना कैनात जानती है एक नवासे दा नाम हसन है दूसरे दा जनाबे हुसैन रजी अल्लाह। जनाबे हुसैन अल्लाह ने बेटा ता फरमाया बेटे दा नाम है अली बेटे दा नाम क्या है अली। साडे अंदर एक भी बीमारी पाई जाती है भाई दूजा ना खानदान टब्बर च रखना जायज है बल्कि पिंड इलाके दे अंदर दूजा नाम कोई ना होवे ये ते अगे है जी ये ते फलाणा दा है ये ते फलाणा दा है। हजरत हुसैन अल्लाह ने बेटा दिता ओदा नाम रखिया अपने वाले जनाबे अली दे नाम ते नाम बेटे दा की रखिया अली और ए हुई अली है कि जिहड़ा जैनुल आबिदीन दे नाम तो मशहूर है। इस अली जैनुल आबिदीन नू शादी हुई अगे अल्लाह ने बेटा अता फरमाया उस बेटे दा नाम है मुहम्मद अल बाकर जिन्हों इमामे बाकर आंदे ने मुहम्मद अल बाकर की शादी हुई उन्होंने अगे अल्लाह ने बेटा ता फरमाया उन्होंने अपने बेटे का नाम रखिया जनाबे जाफरे सादिक जिस दे नाम ते फिकह जाफरिया दुनिया अंदर चलती है। हुण बात समझ आई को दिमाग वाला बंदा गल्ला नोट करेगा और दुआ देगा। मेरे अली दा बेटा है हसन हुसैन हुसैन दू बेटा अल्लाह ने दिता अली जैनुल आबिदीन अली जैनुल आबिदीन दा बेटा है मुहम्मद अल बाकर मुहम्मद अल बाकर दा बेटा है जनाबे जाफरे सादिक और दूजे पासो उम्मे फरवा जनाबे सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दे पोतरे और दोतरी दी बेटी है जनाबे उम्मे फरवा और इमामे जाफर सादिक इन्हां दा आपस दे अंदर निकाह होया है। इस वास्ते इमामे जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह दी अज मैं गल शुरू तमहीदन मुढ़ बन्ना जेड़ा कोई पुट्टो खेड़ ना सके माई दलाल इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इमामे जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करदे हुंदे सन आप फरमादे सन वालदनी अलीयन मर्रतन के ओ लोगो मेरे बाप अली ने मैनू एक बार जन्म दिता है वह अबू बकर ने मर्रा तैन और अबू बकर ने मैनू दो मरतबा जन्म दिता है उची कहो सुभान अल्लाह। अबू बकर ने मैनू दो मरतबा और जनाबे इमामे जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह दे दो कौल मैं तुहानू सुना दवां। एक कौल दे अंदर फरमांदे ने कि जेड़ा बंदा अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा दे बारे बुग्ज रखे दिल दे अंदर दिमाग दे अंदर या उन्हां दा इनकार करे या उन्हां ते तबर्रा करे इमामे जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे ने फरमांदे ने क
कि अल्लाह ताला उदे कोलो बरी हो जाए, अल्लाह ताला उदे कोलो बरी हो जाए, अल्लाह ताला उदे कोलो बरी हो जाए। और दूसरा कौल है आपदा इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा अहम कौल है और बड़ा बेहतरीन कौल है। आप फरमाते ने लोगों अगर मेरे दिल के अंदर जनाबे सिद्दीक कहो रजी अल्लाह ताला, सारे बोलो ना मेरे वेख के तवज्जो करके गोडे छड़ के बोलो रजी अल्लाह ताला, रजी अल्लाह ताला दे बारे मेरे दिल के अंदर अगर कोई जर्रा बराबर मैल होए या कोई बुग्स होए, इमामे जाफर सादक फरमाते ने अल्लाह ताला दिन क्यामत दे मेनू कमली वाले की शफात ही नसीब ना फरमाए। ये कौन कह रहे ने? इमामे जाफर सादिक। और किदे बारे कह रहे ने? जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला दे बारे। मैं उम्मीद करदा कि इंशाल्लाह अहबाब नू मुड और बुनियाद समझ आ गई होएगी। आओ जरा मैं गुजारिशां तुहाडे सामने जिक्र करना चाहना। नबी कायनात जनाबे मुहम्मद प्यार नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मसला याद करो नोट करो, जो बैतुल माल है, बैतुल माल जमात दा फंड, बैतुल माल रुपया पैसा, शरी तौर ते मसला जिनू पते ओ दसे, जरा तुहाडा भी पता लगे ना। जिंदगियां लंघ गईयां ने, चिट्टे आ गए ने, नमाज पढ़द्या जुम्मे पढ़द्या मौलवी सुनद्या, और अगर पूछ के गल करके खुद हर बंदा दे जी मैं ते बहुत बड़ा माशाल्लाह जानी जाना ते बड़ा कुछ जानदा जी, मौलवियों की पता। अच्छा मसला दसो कहे किन्ने जे वड्डे इन्ने सारे बंदे बैठे हो बे, जेड़ा बैतुल माल होंदे पर मसला कुरान दे मुताबिक हदीस, क्योंकि मसला शरीयत दे, मसला दीन दे, तो कुरान और हदीस दे मुताबिक दसो, अल्लाह रसूल दे फरमान दे मुताबिक दसो बे, जेड़ा बैतुल माल होंदे ओ किदे कोल होना चाहिए? बोलो तुसी बोलोगे जरा बांग पढ़ दे ओदे कोल, तुसी बोलोगे जरा उगाड़ी कर दे ओदे कोल, तुसी आखोगे जरा जनाब चिट्टी दाढ़ी वाला कोई वडेरा बुजुर्ग है ओदे कोल, इंच ही है ना। बैतुल माल शरी तौर ते मसला शरी है, शरी मसले, कोई दुनियावी पंचायती मसला नहीं है, कोई सियासी मसला नहीं है, ये दीनी मजहबी मसले, शरी मसले। बैतुल माल किदे कोल होना चाहिए? अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया बैतुल माल होना चाहिए तो वक्त दे जमात दे अमीर दे कोल होना चाहिए। किदे कोल होना चाहिए? अमीर दे अलावा किस कोल है? ते सारे गुनाहगार ने, मुजरिम। अमीर कौन होए? ये भी मसला होना चाहिए, ये भी मसला अल्लाह दे कुरान कोलो पुछी वे अमीर कौन होना चाहिए जमात दा। ए कुराने पाक पढ़ो, कुराने पाक दे अंदर अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया है ज़ादहू बस्ततन फिल इल्म व जिस्म। अल्लाह फरमाते ने अमीर ओ होना चाहिए, अमीर ओ होना चाहिए जिदे कोल अल्लाह दे दीन दा इलम सब तो ज्यादा होए। कहो सुभान अल्लाह। जाहिल अमीर बन सकदे? नहीं, जाहिल अमीर नहीं बन सकता। अल्लाह और बैतुल माल जेड़े ओ जाहिल कोल नहीं हो सकता। इस वास्ते तवज्जो फरमाओ, मैं गुजारिश अर्ज करना चाहता वा कि बैतुल माल होंदे अमीर दे कोल, खलीफे दे कोल, ऐ समझ लो खलीफे दे कोल, अमीर दे कोल बैतुल माल होंदा है। हदीसे पाक पढ़ा बुखारी शरीफ दी, नबी रहमत जनाबे मुहम्मद प्यार नाल ऊंची आवाज नाल पढ़ो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने मौजे सामी तो जो फरमाना है रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा। फरमाया इज यकूलु लिसाहिबी
फरमाया अल्लाह ने जनाब बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दी सहाबियत बयान फरमाई है, सहाबियत बयान फरमाई है जनाब सिद्दीक रजी अल्लाह तआला दी। अल्लाह नसे कतिया कुरान पाक दी फरमाया इद यकूलु लिसाहिबिहि, अल्लाह जनाब सिद्दीक रजी अल्लाह दी सहाबियत बयान फरमा रहे ने। मैं जड़ी गल अद कर रहा सां कि बैतुल माल हुंदे वक्त दे अमीर दे पास, खलीफे दे पास, और खलीफा और अमीरे जमातों हुंदे जड़ा इल्मी तौर ते मजबूत होए, और इलम तो मुराद ये नहीं उन्हें कोई डिप्लोमा या इंजीनियर या 12, 14, 16 पढ़िया होण, इलम तो मुराद ये है जिदे को रब दे कुरान दा इलम होए, मुहम्मद दी सच्ची जुबान दा इलम होए, ओ हो सकदे अमीर और उदे पास होना चाहिए। बैतुल माल शरीयत दी रोशनी अंदर अल्लाह रसूल दे हुक्म दे मुताबिक, आओ जरा मैं इस बेस दे मुताबिक दलील जनाब सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ते अर्ज़ करना चाहता वा। मेरे प्यारे नबी सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने ते बीबी आ गई है, आ के अर्ज़ कर दी अल्लाह दे प्यारे नबी मेरे नाल थोड़ा जिन्ना तावन फरमा दो, मेरी मदद फरमा दो, मैं बाड़ी औरत हाँ मुस्तहिकां ते बैतुल माल चो मेरे नाल तावन करो। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब अंदर फरमाया, आपने फरमाया बीबी इस वक्त बैतुल माल के अंदर कोई शय मौजूद नहीं है, जा चली जा मैं तेरे नाल वादा करदा वा, अगर बैतुल माल के अंदर कोई फंड आ गया गुंजाइश बन गई तो मैं तेनू सद बोला के खुद ब खुद सब तो पहले तावन फरमा देंगा। सुबहान अल्लाह, ए बीबियां दी मैं चली ते जांदियां, लेकिन अल्लाह दे महबूब मैं एक अकीदे दी गल तुहाडे नाल अर्ज करना चाहती हाँ। आपने फरमाया दस बीबी अकीदे दी कड़ी गल करना चाहनी है। ए बीबी अगो बोल के आंदी अल्लाह दे प्यारे नबी जी मैं तुहानू ये कहना चाहती हाँ, अगर मैं कल आ जावां या परसों आ जावां या हफ्ते बाद आ जावां या 15-20 दिन बाद या महीने बाद आ जावां ना, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर आ रही ता इन जे तो फलम अजिद का ता आती अल मौत। अल्लाह दे नबी अगर मैं आ जावां तानी अल मौत, तानी अल मौत, तानी अल मौत। अल्लाह दे प्यारे नबी अगर मैं आवां ते तुसी दुनिया ते मौजूद ना हो, अगर दुनिया तो चले जाओ। अल्लाह मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया ओ बीबी तू ते मैनू वहापन पे लगदी है, अल्लाह मौत ते साडे ते मौत नहीं आ सकती, ना ना ते जे आ भी गई जहरी पर्दा फरमा भी असी गए ते तू आई ते मैनू पता होने, मैं सुन रहे होने, मैं जान रहे होने, मैं बुझ रहे होने, मैं तेनू दस दियांगा तू आज ना ना। कमली वाले ने फरमाया बीबी तेरा अकीदा सही है, मौत के बाद ना मैं सुन सकने ना तू अपने मसले मेरे अगे रख सकने ने, ना मैं सुन के दस सकने ने, और दूजी ये भी तेरी गल सही है कि मौत का पता भी उची बोलो कोई नहीं है, कोई नहीं मौत का पता। अल्लाह ताई ते मैं दी पईयां फिर मेरा मसला किधर जाएगा, फिर मेरा मसला किधर जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया इन जे ते फला मताजे दीनी, फला मताजे दीनी इन जे ते, अगर बीबी तू आवे तेवें होया कि मैं रब कोल चला गया दुनिया छोड़ के, ते फिर तू की करना है। मेरे नबी फरमा रहे ने फाती अबा बकर, बुखारी शरीफ दीदी सिपाक है, फरमाया फिर मेरे बाद अबू बकर को चली जावे, तेरा मसला अबू बकर हल भी फरमा देगा ते बैतुल माल चो तेरे नाल तावन भी फरमा देगा। मेरे नबी ने सदी से पाक दे अंदर इशारा फरमा छड्या है, वजात फरमा छड्या ना कि मेरे बाद बैतुल माल किदे कोल होएगा, अबू बकर दे कोल होएगा। यानी मेरे नबी दूजे लफ्जा दे अंदर दुनिया नू दस के जा रहे ने लोगो, मेरे तो बाद अगर खलीफा होएगा ते अबू बकर होएगा, अगर अमीर बनेगा ते अबू बकर सिद्दीक बनेगा। रजी अल्लाह तआला, रजी अल्लाह तआला। आओ जरा मैं अगे हदीसे पाक बयान करना चाहता वा। अल्लाह मेरे नबी नू ख्वाब आया और बोलो नबिया दी ख्वाब अल्लाह दी वही हुंदी है, बोलो नबिया दी ख्वाब अल्लाह दी
वही होया कर दी है जिम्मे हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दी ख्वाब सुन दे हजरत याकूब अलैहि सलाम दी तबीर सुन दे जिम्मे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दी ख्वाब सुन दे बीबी हाजरा दी गल सुन दे ना ते बेटे इस्माइल दी गल सुन दे ना अल्लाह जिड़े वेले हजरत इब्राहिम ने ख्वाब पेश किया अपनी बीबी माई हाजरा दे सामने के मैं अपने बेटे नू ख्वाब अंदर से भाबिया करदा वा ते अगो बीबी हाजरा भी बड़ी पढ़ी लिखी ते नेक खातून सी हजरत हाजरा बहुत पढ़िया लिखिया सन और बड़िया समझदार दीनदार और अहले इलम खातून सन सैयदा हाजरा कहो सलाम अल्लाह अलैहा ताई ते तुहानू पता है ना औलाद मावां नू बड़ी प्यारी हुंदी है ते फिर पुत्र मावां नू अल्लाह 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 जे पढ़िया लिखिया ना हुंदियां अज कल दे ज़माने दे मुताबिक त्यां दी इब्राहिम मेरे पुत्र नू हुण मारन दा इरादा बनाई फिरदा वे अल्लाह अल्लाह ते पुत्र नू अलग गुमराह कर दी बदराह कर दी हजरत हाजरा ने औरतां दा तुहानू पता है फिर मां औरत होए उहनां दा दिल नरम हुंदा है लेकिन जनाब हाजरा हजरत इब्राहिम दे सामने नहीं बोलियां दूजी गल ही नहीं कीती फिर फौर फरमान लगियां जो रब दा हुक्म है कर गुजरो क्यों हाजरा पढ़ी लिखी खातून सी दीन दा इलम रखती सी और जानती सी कि मेरा घर वाला सिर्फ मेरा घर वाला नहीं बल्कि अल्लाह दा नबी है और नबियां दी ख्वाब अल्लाह दी वही होंदी है उची कहो सुभान अल्लाह अगे इस्माइल बेटा भी पढ़े लिखिया इस्माइल बेटा भी पढ़े लिखिया ताई त्यां दे सन ना कुराने पाक ते गौर है जनाब दा ते मैं थोड़ी जी गल समझा लवां अल्लाह मैनू तौफीक अता फरमाए जरा मुहब्बत नाल सजी बां चुक के कहो सुभान अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने जिहड़े वेले अपनी ख्वाब बयान कीती है ना बेटे दे सामने फिर जिक्र करदे ने ना की आंदे ने मेरे मौदे सामे ना रब दा कुरान पिया पढ़दा ते हक दा ऐलान पिया करदा आंदे या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अदबहु कफन जुर्माजा तारा ऐ बेटा मैं ख्वाब अंदर वेख रहा वा छुरी मेरे हाथ अंदर मैं तेरी धौन ते फेर रहा वा मैं तेनू सिबा कर रहा वा हुण दस तेरा की प्रोग्राम है ना अगो बेटा भी पढ़े लिखे सी ना बेटा भी दीन दिलम रखण वाला ते पढ़े लिखे समझदार दीनी तरबियत याफ्ता बेटा सी ना अल्लाह पता ही बेटा की आंदे बेटे दी बोली नू अल्लाह ने कुरान दी आयत ते सतर बना छड़िया रब दा कुरान प्या पढ़दा ते हक दा ऐलान प्या करदा आंदने या आबातिफ अलमा तो उमर अल्लाह अकबर अल्लाह बहुत बड़ी बारीक बात आई है हजरत इस्माइल ने या बात है बजान इफाल तुसी करो की करो जो ख्वाब देखे ना 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 मेरे भाई कुरान समझ अल्लाह फकीर अर्ज कर दे पिया इंज नहीं हजरत इस्माइल देखे जो तुनु ख्वाब है पूरा करो बल्कि की आंदे ने इफाल मा तो उमर जो तुहानू अमर होया रब लो जो रब दा आर्डर होया जे दसी खावे ते बेटा जवाब अंदर आंदे या अबतिफ अलमा तो मारा जो रब दा हुक्म है पूरा करो ना हजरत इस्माइल पढ़े लिखिया दीनी तरबियत याफ्ता पुत्र ना जानदे मेरे बाबे दी खाफ अल्लाह दा अमर है रब दा आर्डर है रब दी वही है अल्लाह अकबर अल्लाह कुरान समझ आ रहा है जी अल्लाह अकबर दुआ फरमाया जे फरमाया अब जानते ने त्याद रे मैं अर्ज कर रहा सा कि नबिया दी ख्वाब अल्लाह दी वही होया कर दिए बोलो नबिया दी ख्वाब इत्थे अगर मैं हुण छिड़ जावां ते ओ अंबार लग जाण के दलाइल दे कुरान पाक मेरे सामने आयात अहदीस दलाइल ए मजमून खत्म ना होए फिर बात इत्थे रह जाएगी मैं अगे चलना है सिहाब और जनाब सिद्दीक दी बात करनी है मेरे नबी अपनी ख्वाब दस रहे ने ख्वाब आप फरमाते ने लोगो सुनो ख्वाब किनू आए तुहानू नहीं मैनू नहीं सिहाबा अबू बकर उमर उस्मान अली दीगर सिहाबा मुहाजरीन अंसार नू नहीं ख्वाब किनू आए रहमतुल लिल आलमीन सोने मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु ख्वाब आया है। अल्लाह दे प्यारे नबी ख्वाब बयान फरमा रहे ने। आप फरमाते ने मैं एक कुएं दे उत्ते खड़े होया ते मेरे हाथ दे अंदर डोल है बोका है ना। मैं इंज ला बोका ते डोल सटे ना कुएं दे अंदर। मैं पानी कढ़े कुएं दे विच एक बोका कढ़े ते मैं पलटे लोग पीती जा रहे ने। अल्लाह फायदा हासिल कीती जा रहे ने। मैं फिर दूजा ला बोका सटिया है ना। फिर दूजा डोल मैं खूह दे विचों कढ़े ना पानी वाला। जिहड़े वेले दो बोके मैं कढ़े ने कुएं दे विचों पानी दे, मेरे नबी फरमांदे ने उस वेले मैं थक गया वा ना पानी पिला पिला के। फिर अबू बकर ने दो बोके निकाले ने। फिर हजरत उमर ने पानी निकालिया है ना। उमर ने इन्ना पानी निकालिया, इन्ने बोके पानी दे कढ़े ने। पानी 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 हर पासे पानी पानी हो गया। आ फरमा रहे ने पहले मैं पानी कढ़िया, मैं थक गया ते मैं ओला ते बोका ते डोल रस्सी मैं अबू बकर नू पकड़ा छड़िए। अबू बकर ने दो बोके कढ़े ने, ओ थक गए ने ते फिर उमर नू पकड़ा छड़िए ना। हजरत उमर ने ना पानी कढ़िए, हर पासे पानी पानी हो गए। लेंदे चढ़दे अरब जम दे लोग आ रहे ने, पानी पी रहे ने। उन्हां दे जानवर डंगर भेड़ बकरियां ऊंट घोड़े भी पानी पीते जा रहे हैं ना। मेरे नबी नू सियाबा मुस्करा के आंदे ने सोणिया इदी ताबीर भी दस देवो। मेरे नबी ने फरमाया इदी ताबीर बन दी है कि जदों दीन पूरा हो जाएगा। किथे लिखिए ऐ रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे खरदा। फरमाया अलियुमा अकमल तो लकुम दीनकुम। एक बार अगर दिलो सियाने सियाने बंदे सुभान अल्लाह कहो ना तो मैं तुम्हें कुरान फिर समझावा। जरा उची कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह भाई जान जो ऐते करीमा नाजिल हुई है ना, जो ऐते मुबारक नाजिल हुई है ना, अल्लाह ने की इरशाद फरमाया है। फरमाया अलियुमा अकमल तो लकुम दीनकुम। क्या मानी है, क्या मानी है, क्या तर्जमा। कुरान पढ़ो, तर्जमा देखो। आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। आज के दिन मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है। किन का? तुम्हारा। जरा लफ़्ज़ दोहराओ। लकुम दा मानी बन दे अली यौमा, आज के दिन। अकमल तो मैंने कामिल मुकम्मल कर दिया है। दीनो दीन कुम तुम्हारा। उची कहो किना दा? सारे नहीं बोलते, किना दा? तुम्हारा। कुम 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 अल यौम अकमल तो लकुम दीनो कुम व अतमम तो अलैकुम नेमती व रजी तो लकुम। उची कहो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह इस आयत ते थोड़ा जिन्ना कदी गौर फरमाओ ना, अल्लाह ते ईमान ताज़ा हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। और जदो रब फरमा रहे सी कि मैं आज दे दिन तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता है, ए जिन्ना नू रब कह रहे सी तुहाडा दीन, ओ कौन सन उस टाइम ते? नबी दे सामने बोलो कमली वाले दे सहाबा ते यार। रब नबी दे इशारा नू फरमा रहे, रब फरमा रहे मेरे अबू बकर उमर उस्मान अली ओ बिलाल ओ नबी दे यारो मुहाजरीन ओ नसारो अलियुमा अकमल तो लकुम। सुभान अल्लाह। आज दे दिन मैं तुहाडा ओ सहाबा तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता है, तुहाडे वास्ते पूरा कर दिता है ना। मेरे नबी फरमाते ने जदों दीन पूरा हो जाना है ना ते मैं दुनिया तो चले जाना है ते फिर मैं ए ला बोका ते रस्सी अबू बकर नू पकड़ाइए। इहदी तबीरे बनदी है कि दो बोके मेरे सिद्दीक ने कढ़े ने। ओ लोगो मेरे तो बाद अबू बकर 2 साल खिलाफत करे गए ते बाद अबू बकर फौत हो जाएगा। एदे बाद अबू बकर फौत हो जाएगा ते सुने जड़ा जनाब उमर रज़ी अल्लाह नू ने रस्सी पकड़ाई है लांबो का पकड़ाए ना ते इन्ना पानी 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 हर पासे पानी पासे पानी ते बड़े दूरों दूरों लोग माल डंगर लैके आ रहे ने ते अपने अजरा नू पानी पिवा रहे ने। इदी तबीर की बनती है। मेरे नबी फरमाते ने लोगो मेरे उमर कोलो अल्लाह मेरे दीन दा इन्ना कम लेगा के लेंदे चढ़दे तक दीन दे झंडे गड्ढे जाणगे, दीन दे झंडे गड्ढे जाणगे ना। आओ जरा मैं अगली गुजारिश अर्ज करना चाहना मेरे भाईओ, सुनो ना। इसे वास्ते ते जनाबे सैयदना अमीर उमर कहो रज़ी अल्लाह तआला। हाय उमर दे नाम तो डर दियां कुफर दियां कुल दातां। उमर उमर है उमर उमर दियां क्या बातां।
ओए उमर दे नाम दा नावा कुफर ते भारिए उमर नू जान सुजान दे दुनिया सारी ए आए उमर नू नहीं पहचानिया कालिया खंडरा तंगा उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता इस पास वाले बंदे नहीं बोलते तुसी केड़ी सोच पे बैठे हो जरा उची कहो सुभान अल्लाह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला रजी अल्लाह तआला अल्लाह जदों मदीने दे अंदर बारिश नहीं हुंदी सी ना ते लोग आंदे सन खलीफतुल मुस्लिमीन ओ अमीरुल मोमिनीन ओ जनाबे उमर रजी अल्लाह दुआ करो अल्लाह बारिश देवे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने दुआ करनी ते फिर भी बारिश ना होनी ते सियाबा ने परेशान हो जाना सुनया बारिश नहीं हो रही है फरमाया फिर की होएगा बारिश नहीं हो रही थी सुनया फसलां नहीं होणगियां फरमाया फिर की होएगा नहीं होएगी तां फरमाया फिर खावांगे कित्थों फरमाया फिर की होएगा सुने फिर जीवा भी किवे फरमाए ए दसो किते ना किते ते बारिश होएगी ना कहो सुभान हजरत उमर फरमाए कर दे सन तुसी मेनू किया दुआ करो बारिश दी मैं कर दीती दुआ कीती कि नहीं जी कीती बारिश नहीं हुई फरमाया की होया ने बदल बड़े बने सन जुड़े सन घटावा चाड़ियां सन काले धूं बदल आए सन पर बदल उड़ पुड़ गए टुर गए बारिश नहीं मदीने ते हुई ते फसलां ते जमीन ते फिर कित्थों खावांगे की ओ फरमाया गल सुनो कुर्बान जाइए मेरी उमर रजी अल्लाह दे तारीखी अल्फाज फरमाया कर दे सन किथे ना किथे ते जाके बदल वसणगे बारिश किस ना किसे खुदा दी खुदाई धरती मखलूक ते बारिश होएगी ना सुभान अल्लाह ओ आंदे ने अमीरुल मोमिनीन किते ना किते ते जाके होएगी पर मदीने ते नहीं ना होई ओ फरमाया ओए गल सुनो ओए गल सुनो नबी दे सहाबियो जिथे भी बारिश होएगी भावे यमन अंदर हो जाए भावे शाम अंदर हो जाए भावे किसे अरब दे इलाके अंदर हो जाए जिथे भी होएगी भावे शाम क्यों ना बारिश वस पाए बदल भावे यमन अंदर क्यों ना जाके बदल वसन तुहानू फिक्र करन दी लोड़ नहीं है अल्लाह दी जमीन ते जिथे भी फसलां होणगियां ना अगर मुसलमान मुल्क होएगा ते उत्थों ज़कात मदीने तुहाडे कोल ही पहुंच जाएगी ते जे गैर मुस्लिम दा इलाका होएगा ना ते जिजिया और टैक्स फिर भी तुहाडे कोल मदीने आ जाएगा तुहानू पता नहीं है ए नबी दी दुआ दा समर उमर हकूमत पे करदा वे दुनिया दे अंदर इस वक्त इस्लाम दा खलबा है जिथे मुसलमान बंदे नहीं होए वह भी महकूम बन के रह रहे ने वह भी मतहत बन के रह रहे ने जिजिया ते टैक्स दे के रह रहे ने जिन्नियां फसलां होणगियां जिथे बारिशां होणगियां इंशाल्लाह फायदा मुसलमाना दा होएगा माल मदीने पहुंचेगा कहो सुभान अल्लाह 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 उधरा सुनो मैं अर्ज करना चाहता वहां उधरा सुनो ना कौन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने लोगों एडे खुश नसीब ने जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जिदियां चार नस्लां मेरे नबी दियां सहाबी ने चार पुश्ता चार नस्लां जना बेबू बकर रजी अल्लाह तआला दियां सहाबी ने ना हालांकि वेख्या जाए तो कोई सहाबी खुद मुसलमान है तो मां मुसलमान नहीं हुई प्यो मुसलमान नहीं होया भाई मुसलमान नहीं होए भैन मुसलमान नहीं हो चाचे ताए रिश्तेदार मुसलमान नहीं होए ना कला मुसलमान होया तो इस मुसीबतां ते तकलीफा ते मसाए बर्दाश्त किए ने मारा कुट्टा हिजरत सारिया गल् कला कला कोई सहाबी खानदान घर चो मुसलमान होया सहाबी बनया पर अबू बकर सिद्दी के लोगो जिदे ईमान दे क्या कहने ने चार पुश्ता अबू बकर दिया सिहाबी ने चार नस्ल अबू बकर दिया सिहाबी ने चार कोफादरा ते अबू बकर दे सिहाबी ने अबू को हाफा बाप सिहाबी अगो बेटा अबू बकर सिहाबी अगो बेटा अब्दुरहमान सिहाबी ते बेटी ऐशा भी सिहाबी आवे चार नस्लां चार पुश्ता अल्लाह अकबर सिहाबी ने अल्लाह अबू बकर सिहाबी अब्दुरहमान सिहाबी अगे उदा बेटा मुहम्मद भी सिहाबी और अबू बकर वालिद अबू कुहाफा भी सिहाबी बेटी अबू बकर वो भी सिहाबी बेटी सिद्दीका भी सिहाबिया अबू बकर बेटा भी सिहाबी और फिर असमा भी सिहाबिया बेटी और फिर अगे असमा दे बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर वह भी सिहाबी मैं दस चुकिया भी चार पुश्ता चार नस्ल अबू बकर दे खानदान दिया सिहाबी ने सुभान
कैसा घराना है अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा। आदर मैं हदीसे पाक अर्ज करना चाहना मेरे भाइयों सुनो तो जो दे नाल मोहब्बत नाल जड़ी गुजारिश मैं अर्ज करना चाहना मेरे मौजे सामीन सुन दे जाओ ना प्यार दे नाल मेरे प्यारे नबी सोने मुहम्मद प्यार नाल पढ़ो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गज़वे बदर होया फिर गज़वे उहद होया फिर गज़वात जदों सिलसिला चल निकलिया ना ते चलदिया चलांदिया ते करदिया करांदिया अज दिन आ गए मेरे नबी अपने सियाबा नूं लैके किथे वाला पहुंचे ने मेरे नबी ते आप दे सियाबा पहुंचे नी खैबर अंदर खैबर दे हवाले दे नाल शाने अली रजी अल्लाह तआला दा वाकया बड़ा हदीस दा मशहूर है। वो अपनी जगह ते अजमत शाम मुसल्लम है बचा है दुरुस्त है लेकिन लगता इंज है कि जिवें बाज जनाब कंफर्म लोगों ने खैबर नू जनाब अली रजी अल्लाह दे हिस्से ही मखसूस और मुख्तस कर दिता है हालांकि पता नहीं है कि दीगर सहाबा दा मकाम क्या है और जनाब सिद्दीक दा शान क्या है। खैबर दे अंदर जदों कमली वाले सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहुंचे ने ना ते खैबर का जो इलाका है ना बड़ा सरसब्ज इलाका सी यहूदियों का बड़ा शादाब इलाका सी बड़ा फसलों वाला इलाका सी बड़ा बागात वाला एक आदा के इलाका सी ना खैबर वाला। खैबर के इलाके दिया खजूर पूरे अरब उन्हों का मुकाबला नहीं कर सकते एडिया सोहनिया फसल एडिया सोहनिया खजिया बाग से खजूर आला किस्म दियाँ मेरे नबी जो पहुंचे ने ना खैबर के अंदर सिहाबा नाल ने आपने चढ़ाई कर दी है ना मेरे नबी फरमान लगे इंज करो दरखत वढ़ते जाओ कटते जाओ ढांदे जाओ दहशत बिठांदे जाओ रो पांदे जाओ हल्ला मचांदे जाओ रब दी तौहीद ते ओदे दीन दे नारे लगांदे जाओ। सिहाबा सिहाबा फिर अल्लाह के नबी का डर हो गया सिहाबा कुहाड़ियां लैके पै गए ने दरखत कटन लग गए ना कोई किसी खजी नूं डा दिंदा है कोई किसी पासे चल जाता है कोई किसी बूटे कोई किसी दरख्त जो सिहाबा का हर चलो मच गई ना दरखत कटन लग गए ने वढ़न लग गए ना दरखत बूटे ठाण लगे खैबर दे चढ़ाई कर दी कमली वाले ने सिहाबा लैके अल्लाह ये भी गल सुनना खैबर की हैदर फकीर हर करना चाहता है अल्लाह हौली हौली चलते चलाते कोल कमली वाले दे अबू बकर सिद्दीक ने ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जेड़े वेले नेड़े हुए तो मेरे नबी भी समझ गए फरमाया बकर तेनू खैर है की गल को गल करनी है आते हाँ का मैं तोड़े नाल गल करना चाहता वा फरमाया कह की कहना चाहना है अबू बकर सुने ऐ जेड़े सिहाबा दरख्तों नू वढ़दे पए ने मेरा मशवरा है कि इन्हां नू मना कर दिता जाए इन्हां नू रोक दिता जाए दरखत ना वढ़ाए जान दरखत ना गिरवाए जान ना ढाए जान ना दरखत गिराए जान ना ढाए जान ना तबाही मचाई जाए ना फसल बर्बाद हला खराब कीतियां जान ते मेरे नबी फरमा ते फिर की होएगा वेखो अबू बकर दी सोच वेखो अबू बकर दा ईमान वेखो अबू बकर रज़ी अल्लाह दा मशवरा तेरा है वेखना ईमान ते यकीन वेखना। अबू बकर आद करदे ने सोणिया मैं उम्मीद करदा अल्लाह सानू फतह दे छड़ेगा वाह सिद्दीक तेरे क्या कहने ने हजरत बकर आते ने महबूबा मैं उम्मीद करना अल्लाह सानू कामयाब फरमा देगा ते रब की मदद आएगी सुनिया ते जदों रब की मदद आ जाएगी ना ए इलाका भी साडा ए खैबर भी साडा ते दरखत भी साडे हो जाणगे ते सानू फसलां कम आ जाणगियां। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने जदों मशवरा दिता ना ते मेरे नबी फरमाते ने चलो भाई वापस आ जाओ रख दो औजार हथियार कोई दरखत ना कट्टे जान जड़े कट्टी गए ने उही बड़े ने कोई ना ढाए ना गिराए ना पुट्टे ना कट्टे वापस आ जाओ ना जदों आ गए नी ना सिहाबा इंज नबी दे इर्द गिर्द सिहाबा जिवें चन दे गिर्द तारा होया करदे ने जिवें सूरज दे गिर्द हल्ला होया करदे ना जिवें शम्मा दे गिर्द परवाने होया करदे ने इंज सिहाबा मेरे नबी दे सज्जियों खब्बियों अग्यों पिछों तशरीफ फरमा लेना ते ओ तो अल्लाह ने अपना कुरान नादर फरमा छड़िया तो जो करना मोजे सामीन ए रब दा कुरान प्या पढ़दांगा ते हक दा इलान प्या करदा फरमाया मां का ता तुम मिली ना ते ना आओ तरग तुम ओहा कायम तना लाओ सोले हा फाबे इज़निल्ला अल्लाह
अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा छड़ी है। तर्जमा सुनना तर्जमा, अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा छड़ी है। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले जेड़े दरखत तुसा ने कटवाए ने, जेड़े कटे गए ने ते जेड़े छड़े गए ने, ए कटवाए भी तू मेरे आर्डर नाल ने मेरे नबी जे, ते जेड़े छड़े गए ने हालांकि छड़वाए नबी ने नहीं साना। छड़वाण दा मशवरा ते सलाह अबू बकर दा सी, राय किदी सी जरा एक बार बोल के दसो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह अजरकुम अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक दी राय सी नबी दा आर्डर ने से। अल्लाह तुसा इत्थों तक सुने ना कि हजरत उमर दी राय ते कुरान दी आयतां उतरदियां रहियां ने, बेशक उतरदियां रहियां ने। ज्यादातर ये मजमून मारूफ है कि हजरत उमर जमीन ते बोलदा सी ते आसमान तो कुरान आ जांदा सी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अबू बकर के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो आज सुन लो फकीर से, कुरान की कितनी आयात है, एक नहीं कितनी आयात है, कितनी अहदीस है और कुरान की नहीं आते हैं। सिद्दीक बोलता जमीन ते सी, अल्लाह आसमान तो कुरान बना के नबी दे सीने ते नाजिल फरमा देंदे सन। जिन्हां दे विचों एनीवन एक दलील मैं अर्थ कर रहा वा कि नबी अलैहिस्सलाम ने कटण दा हुक्म इरशाद फरमाया, नबी बोलदे अल्लाह दी वही नाल, बोलो नबी बोलदे, फरमाया कटवाए भी अल्लाह दे मेरे आर्डर नाल, ते जेड़े छड़े गए ने रोक दिता गए ठल दिता गए। अल्लाह अल्लाह फरमाते ने ओ तरक तुमुहा अला उसूलिहा, जेड़े तुसा छड़ दिते ने ना तरक कर छड़े ने, ए कटना छड़ दिता है ना दरखा छोड़ दिते ने, बज़ैर राय सिद्दीक दी है, सलाह सिद्दीक दी है, मशवरा सिद्दीक दा है। लेकिन रब दा कुरान की आंदा है, रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा। फरमाया फाबे रबाद ने ए मेरे आर्डर नाल तुसा छड़े ने, मालूम होया जिहड़ी सिद्दीक दी राय ओ अल्लाह दी आसमाना ते सलाह ते ऐत बन के अल्लाह ने नबी दे सीने ते नजर फरमा दित्ती है, ते सिद्दीक दे सीन अंदर डाल छड़िया ना। आओ जरा मैं एक और अर्ज करना चाहता वा, अल्लाह पहले तुहानू मैं नबी दा ख्वाब दसिए, अल्लाह अकबर, आओ मेरा दिल करदा एक होर ख्वाब मैं तुहानू दसदिया। मेरे प्यारे नबी सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने, एक बंदा के ख्वाब पुछदे ना, ख्वाब पुछदे आंदे अल्लाह दे नबी मैं ख्वाब वेख्या वे कि आसमान दे उतो आसमान दे तो माखी ते शहद टपकदा पे जिवें मीह वसदे ना, ते नाले घ्यो पे आसमान तो चुंदे घी ते शहद माखी ते घ्यो चुंदा पे टपकदा पे ना आसमान दे उतो। ते चलो कई बंदे ओ घी ले जा रहे ने, शहद ते माखी ले जा रहे ने, पीती जा रहे ने, थोड़े थोड़े बंदे ते थोड़े थोड़े परे दूर दूर ने वेंदे पे ने, कुछ बंदे पींदे पे ने, कुछ नहीं पे पींदे। ते एक होर भी मैं वेख्या ख्वाब दे अंदर घी दी बारिश हो रही है, माखी ते शहद टपक रहा है, बंदे कुछ लै रहे ने कुछ नहीं रहे, ते फिर मैं की वेंदा वा या रसूल अल्लाह मैं की वेखे, मैं की वेखे कि आसमान दे उत्तों एक रस्सी लटक रही है, रस्सी रस्सी लटक रही है। ते सुनिया मैं हुण तुहानू दस रहा वा, ते तबीर भी तुसीं दसो ये भी सारे सुन लैण, मैं की वेना वो जिहड़ी रस्सी सुनिया लटकी हुई है ना, उस रस्सी नूं तुसीं पकड़े ते पकड़ दे तुसी रस्सी दे उत्ते चढ़दे जा रहे हो। मैं तुहानू ख्वाब अंदर आप वेखे तुसी रस्सी ते चढ़दे जा रहे हो, चढ़दे जा रहे हो, मैं वेंदा पिया चढ़दे 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 चढ़दे, तुसी रस्सी तो चढ़दे आसमान ते चढ़ गए हो, ते मेरे को लुक गए हो, उडर हो गए हो, गायब हो गए हो। ते फिर अगे पता की होया या रसूल्ला, तुहाडे बाद एक बंदा फिर उही रस्सी पकड़ के मगरों चढ़दा है, वह भी तुहाडे पिछे चढ़दा चढ़दा आसमान से चढ़ जांदा है, ते गायब हो जांदे साडी अखां कोलों, मेरे कोल ऑर्डर हो जांदे। अच्छा फिर पता की होया अल्लाह दे नबी, फिर एक तीजा बंदा उसे रस्सी नूं पकड़ के चढ़ना चाहता है, जिहड़े वेले वह चढ़न लगदा है ना, ते थोड़ा जिन्ना उत्ते चढ़दे रस्सी नूं पकड़ के, ते रस्सी टुट जांदी है, बोलो रस्सी। वह पता फिर की करदे अल्लाह दे नबी जी, वो थले फिर जम मार दे हेठ आके भोए ते जमीन ते, वो रस्सी टूटी हुई दे दोए सिरे पकड़ के ना उनू गड मार दे, गड मार के टैट करके उनू ठीक कर लेंदे, ते फिर चढ़ना शुरू हो जांदे, चढ़दा जा रहे चढ़दा जा रहे चढ़दा जा रहे, वो भी फिर गायब हो जांदे आसमान ते चढ़ जांदे, तीजा बंदा भी चढ़ जांदे रस्सी ते, फिर पता की होया अल्लाह दे नबी मैं खां वेखे, फिर चौथा बंदा उसे रस्सी ते चढ़ना चाहता है, जदो चौथा बंदा चढ़ना चाहता है ते रस्सी टुट जाती है, रस्सी टुट जाती है,
उस चौथे बंदे ने तीजे बंदे तरह रस्सी नू गढ़ मारन दी जोड़न दी बड़ी कोशिश की है पर रस्सी दोबारा जुड़ी। वह चौथा बंदा फिर मगर चढ़ सकया। हुण तुसी तबीर दसनी अल्लाह दे नबी हो, मैं इंज इंज खाब वेख्या है, इहदी की जनाब तबीर बनती है? मेरे प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीर इरशाद फरमाई है। आपने फरमाया है जेड़ा आसमान दे उत्तों आसमान दे उत्तों आसमान दे उत्तों घी टपक रहा, ना घी ते नाल शहद सी, हाँ का शहद सी। आप तबीर दसन ही लगे ने ते यही मेरा सिद्दीक बोल पिया, कहो सुबहान अल्लाह। फरमाया की गल है, कुत्ते नूं भी खाब आए? आंदे सुने खाब नहीं आया। तुहाडी मौजूदगी का मैं फायदा उठाना चाहना, जे तुसी इजाजत दिओ अदब वेखना जनाबे सिद्दीक और सहाबा कोलो अदब वेखो ना किवें नबी पाक दा सुनिया। जे तुसी इजाजत दिओ ते मेरी अगर गलती होई तो वह दुरुस्त हो जाएगी, ते जे सही होएगी ते तुसी तस्दीक कर दोगे, तुसी जो मौजूद हो ते मैं फायदा उठा लवां। फरमाया चांदा की है? सिद्दीक आंदे सुनिया इस खाब की तबीर तुहाडे सामने दिल कर दे, मैं इस बंदे नूं दसां सुबहान अल्लाह। ते फरमाया दस दे दस दे। हुण सारे सियाबा भी वेंदे पए ने, वे सिद्दीक की तबीर दस दे। नबी पाक ने फरमाया कर तबीर, मैं सुनना पिया, मैं दसांगा तू गलत करेगा फिर भी दसांगा सही करेगा, पता लग जाता है। लै खवे सिद्दीक दस तबीर इस बंदे नूं, दस तबीर। हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तबीर दसते पे ने, आनन जिहड़ा आसमान तो शायद ते माखी टपक रहा है, ना घी टपक रहा, ना इहदे तो मुराद अल्लाह दा दीन है, इहदे तो मुराद अल्लाह दा दीन है ना। कुछ बंदे अल्लाह दे दीन दे दीवाने ते मतवाले बन रहे ने, दीन ते आंदे जा रहे ने, ते बाले बंदे दीन तो दूर भजदे जा रहे ने, दीन तो नसते जा रहे ने, बेदीन हुंदे जा रहे ने, बेईमान हुंदे जा रहे ने, गुमराह हुंदे जा रहे ने, तबाह हुंदे जा रहे ने, बर्बाद हुंदे जा रहे ने। बहुते बंदे भजदे नसते ते दीन कोलों दूर नसते जा रहे ने, ते कई नसीबां वाले वो जिहड़े टपक रहे ने ना कतरे घी ते माखी दे लै रहे ने, वह दीन ते आ रहे ने। ते दूजी तू रस्सी वेखिए, आंदे हाँ जी मैं रस्सी वेखी है ना। हजरत बकर आंदे ने रस्सी तो मुराद अल्लाह दा दीन है, जिहड़े वेले अल्लाह दा दीन पूरा हो जाएगा नबी उसे दीन वाली रस्सी तो चढ़ के फौत हो के दुनिया तो सानू छड़ के रब कोल चले जाणगे। ओदे बाद फिर जड़ा दूजा बंदा तू वेखे ना, ओ मैं अबू बकर दूजा बंदा वा, फिर मैं भी मगर रस्सी ते चढ़ जावांगा। ते जड़ा तीजा बंदा तू वेखे ना हजरत उमर, ओ भी मगरों चढ़ जाएगा ना। ते अगला बंदा जड़ा तू वेखे ना जिदी वारी रस्सी टुट जांदी है ते फिर गंड मार के चढ़ ओ भी जांदे। हजरत बकर फरमांदे ने एदे तो मुराद मेरा प्यारा वीर ते मेरा दोस्त जनाबे उस्मान है। जदो ओ खलीफा बनणगे ना, जदो ओ खलीफा बनणगे ते कुछ तोड़ पैदा होएगा, कुछ इख्तलाफ पैदा होएगा। नबी दे बाद जड़ा दूजा बंदा चढ़ेगा ओ पहला खलीफ होएगा, ओ मैं अबू बकर हां। जड़ा दूजा बंदा चढ़ेगा ओ दूजा खलीफ होएगा, उमर है ते दोवे सही चढ़ जाणगे शहीद। ते तीजा हजरत उस्मान है, उहदी वारी थोड़ा जिन्ने इख्तलाफ बन जाएगा। ते चौथे मजलूम मेरे अली ने, जदो उन्हां दी खिलाफत दी वारी आएगी रस्सी ते नहीं चढ़ सकणगे, रस्सी नहीं जुड़ेगी, इख्तलाफ ते तोड़ इन्ना पै जाएगा, मेरा अली रस्सी ते चढ़ नहीं सकेगा। मेरे नबी ने तबीर सुनिए, आपने फरमाया बकर बिल्कुल तू सही तबीर बयान फरमाई है, और फिर एवें ही होया। बोलो फिर एवें ही, बोलो बोलो फिर एवें ही, एवं होया ना। अल्लाह उधरा सुनो, एक और मैं ख्वाब तुहाडे सामने रखना चाहता वा। अल्लाह सिर्फ ख्वाब ही नहीं है बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है ना, ख्वाब किनू आया? सैयदा आयशा कहो रजी अल्लाह ताला, सारे कौन सजीबा चुक के रजी अल्लाह ताला, रजी अल्लाह तआला ना कौन जनाब आयशा रजी अल्लाह तआला, जिन्हां दे बारे हजरत सौदरवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा सोहना कलाम नकल फरमाया। ओ फरमाते ने तेरी पाकीदगी पर नुतके फितरत ने शहादत दी, तुझे अजमत अता की आफियत बख्शी फजीलत दी, और घर तेरी सहर परवर अदा पे हर्फ आ जाता, खुदा का इंतखाबी फैसला
مخدوش کہلاتا اور خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا اور گل سنا تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو خواب آئی ہے نا خواب جدو آئی ہے نا اللہ اکبر اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ نو امی جان خواب بیان کر دیا نے آدیا نے بابا میں خواب ویکھیا ہے نا میں کیویں دیا کہ آسمان دے اتے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین چند نے کنے چند آسمان تھے تین چند نے آسمان تے کوئی اوپرا تے وکھرا نرالا عجیب جب بابا میں خواب ویکھیا ہے تے تعبیر اللہ دے نبی کو لو پوچھنی ہے اللہ اکبر میں چند ویکھنے بیٹی پھر کی تو ویکھیا مینوں دسے نا بیٹی اللہ اللہ حضرت شادیا نے بابا او کی ہوئے تینوں چند جڑے نے آسمان تو ڈگے نے تے سدے میرے گھر میرے ویڑے دے وچ کے ڈگ جاندے نے پھر لوگ جاندے نے میں نوں نظر نہیں آندے تے تعبیر کی بن دیئے میرے نبی دے سامنے جدو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خواب رکھا گیا نا تے میرے نبی تعبیر دسن لگے نا تے صدیق آندے نے سنے میں دساں فرمایا ہاں دس دینا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر نے عرض کی تھی کملی والیا اے عائشہ جڑا خواب بنا آئی دی تعبیر اے بن دیئے کہ پوری دنیا دے جڑے تین عظیم ترین بندے تے چاننے نا اللہ میری بیٹی عائشہ دے کمرے اور ویڑے دے اندر دفن فرما دے گا میری بیٹی عائشہ دے کمرے دے اندر حجرے دے اندر انہ دے ویڑے اور سین اور کوٹھے دے اندر اللہ اے دنیا دے تین چند تین عظیم بندے دنیا دے اللہ دفن فرما دے گا نا حضرت ابوبکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خود بیان کر کے آتے نے فرما دے ان صدق کترو یا کے ان صدق کترو یا کے اے بیٹی عائشہ کرے تیرا خواب سچا ثابت ہویا تے پتہ کی ہوئے گا لا یدفنن فی بیت کا من خیر آل الارض سلاثا دروے زمین دیتے نا عظیم بندی اللہ تیرے گھار دن در دفن فرما دے گا جدو اللہ دن بھی فوت ہوئے سننا جدو اللہ دن بھی فوت ہوئے سننا اللہ تی سیابہ رو رے سننا بڑا کیا مدار قتمی جمنظر بنے ہوئے سی تیمی عائشہ دے کمرے دی اندر حجرے دی اندر کچھ سیابہ دے سننا مکہ واپس ابائی وطن تیلا کے اندر نبی نلے جا کے دفن کیتا جائے کچھ سیابہ دے سننا بکی دن در دفن کر دیتا جائے جتھے باقی رشتے دار تے یار دفن نا کچھ سنہ سیاں اپنے علاقے اندر لے کے جانے ہیں اللہ تے پھر حدیث پاک پیش کر دیتی گئی ہے نبی نے فرمایا سے او لوگو جیڑی زمین دی جگہ تے ٹکڑا دفن تے جس واسطے اللہ پسند کر دینے اسے جگہ تے اللہ اپنے نبی دی رونو قبض فرما لین دینے لہذا جتھے فوت ہوئے نے اوتھے دفن کیتا جائے گا انج چار پائی میرے نبی دی پائی ہوئی ہے سیڑ تے لی کے لگا کے نشان بنا کے انج چار پائی چوک کے پاسے رکھ کے اوتھے قبر تیار کیتی جان دیا قبر مبارک بن گئی ہے سرکار نو دفن کر دیتا گیا خینا تے حضرت ابوبکر روندے روندے خمندر نے ڈھال اپنی دھی سید عائشہ دے کولا جان دینے آدھنے عائشہ کوئی گل یاد ہی آدھنے بابا ڈڈ یاد ہے فرمایا تو خواب ویکھیا سی ہے ہاں بابا تسی نبی دے سامنے تعبیر بیان کیتے سی حضرت ابوبکر رو کے فرماند نے دیئے لے ایک چان آگئی تے وقت سر تجھے دو ویا جان کے انتظار رکھیں
दूजे दो भी आ जाएंगे, इंतजार रख लवे। अल्लाह जदो अबू बकर फौत होए तो उथे दफन होए ने, फिर जदो जनाबे उमर भाई जान फौत शहीद होए ने ना उथे दफन किए गए ने ना, ते हजरत अली मगरों रो भी रहे सना, ते नाले उच्ची आवाज नाल दुआवां दे रहे सन, ते कह रहे सना वाह उमर तेरी किस्मत दे क्या कहने ने, मैं पहले उम्मीद रखता सा, मैनू पता सी, मैं जानता सा कि नबी दे नाल अबू बकर दफन होएगा, मैं चंगी तरह जानता सा उमरा कि अबू बकर ते नबी दे नाल अगर कबर बनेगी ते उमर दी बनेगी। अल्लाह अकबर। या अली तुहानू किवें पता सी, नबी पाक ने तुहानू दस्या सी ये गल? फरमाया नहीं। ते फिर तुहानू किवें पता? हजरत अली फरमाते सन मैं तुहानू दसदा तुसा जिंदगी नबी दे नाल नहीं सारे इकट्ठी गुजारी, नबी दा उठना बहना खाना पीना सौना जागना सफर हजर आन जान नबी दे नाल नहीं तुसी हड्डे रहे जिंदगियां गुजारियां नबी दे रले कट्ठे आंदने। हाँ ते फरमाया तुसी कदी ने सी नबी पाक कोलों सुनिया केड़ी गल? हजरत अली आंदने तुहानू पता नहीं मेरा नबी जदों भी बोलते सन आ फरमाते सन खराज तो आना वा अबू बकर वा उमर, जहाब तो आना अबू बकर वा उमर, जलस तो आना अबू बकर वा उमर। मेरे नबी जदों भी गल करते सन अबू बकर उमर दा नाल लैके रलावी गल करते सन, आ फरमाते सन लोगो मेरी गल अबू बकर उमर की ए गल है, लोगो मैं जा रहा सा तो मेरे नाल अबू बकर ते उमर भी ऐसी है, उत्थे असी बैठे सा ते मेरे नाल अबू बकर ते उमर भी ऐसी है। ओए तुसी जानदे नहीं हो नबी ने सारी जिंदगी गुजार छड़ी है। अल्लाह अबू बकर ते उमर दे ना नाल जिक्र करदिया करदिया मैं अली दा ईमान गवाही दे रहे सी, जदों भी दुनिया तो जाणगे तीनों हस्तियां कठियां ही दफन होणगियां। अल्लाह अल्लाह तीनों हस्तियां कठियां दफन हो गया ना। अल्लाह ए मेरे नबी दे सिहाबा ने मेरे नबी दे जानसार वफादार सिहाबा कहण ना जिन्हां दे बारे मुहब्बत नाल। अल्लाह अकबर एक ताज़ा कलाम है अल्लाह नुमी भाई मोबाइल नु बंद कर दो जो मेरे ले पासे करना। अल्लाह पिछली रात ही ना पिछली रात ही अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है पिछली रात नु ही इस तुहाडे गुनाहगार फकीर ने एक नवा कसीदा लिखा है नसराकी जबान के अंदर। सिहाबा का मैं जिक्र लियांदा है अहले बैत दा मैं जिक्र लियांदा है नबी दे यारां दा मैं जिक्र लियांदा है ते सहाबा नूं अकीदत दे नाल सलाम पेश कीता वे। सुना दें ए सुनन वाली सुभान अल्लाह नहीं है ये तो सुन दे जे एक बार ईमानदार नाल सुभान अल्लाह कहो तो मैं सुनावां ते मुकावां उच्ची कहो सुभान अल्लाह। दोवें हाथ चुक के कहो प्यार नाल सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह उधरा सुनो मुहब्बत नाल सिहाबा नू सलाम अर्ज किया है इधर फकीर ने। मैं की अर्ज किया अल्लाह अकबर अपनी सकाफती बोली अंदर मैं अर्ज किया सुन तवज्जो दे नाल मैं ना बिस्मिल्लाह मिठा मदनी बिस्मिल्लाह मिठा मदनी बिस्मिल्लाह मिठा मदनी सुभान अल्लाह ते कह दियो बिस्मिल्लाह मिठा मदनी भाई बिस्मिल्लाह मिठा मदनी बिस्मिल्लाह मिठा मदनी उन्हनु सलाम जिना डिठा मदनी उन्हां नूं सलाम जिना डिठा मदनी बिस्मिल्लाह मिठा मदनी उन्हां नूं सलाम जिना डिठा मदनी बिस्मिल्लाह मिठा मदनी उन्हां नूं सलाम जिना डिठा मदनी बिस्मिल्लाह मिठा मदनी उन्हानू सलाम जिना डिठा मदनी मिठा मदनी सोना तीके सैयदना अबू बकर सिद्दीके बिस्मिल्लाह मिठा मदनी उन्हानू सलाम जिना डिठा मदनी बिस्मिल्लाह सुनी किताबे बिस्मिल्लाह सुनी किताबे उमर सोना इब्ने खताबे बिस्मिल्लाह मिठा मदनी उन्हनु सलाम जिना डिठा मदनी बिस्मिल्लाह
سونی شان سیدنا عثمان ابن عفان بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی جڑے میرے علی نال پیار کرن والے نے ہن میں ویکھنا چاہندا واں سجی ہباں چوک سبحان اللہ شیر دے اینڈ تے او بندہ بولے گا بسم اللہ بسم اللہ سونا سخیے مٹ دیکھیے بھائی بسم اللہ سونا سخیے پیر میرا مولا علیے پیر میرا مولا علیے پیر میرا مولا علیے بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی تے شیر بڑا قیمتی آ گئے بسم اللہ ہویا کمالے بسم اللہ ہویا کمالے سونے دبانگا سونا بلالے بسم اللہ ہویا کمالے سونے دبانگا سونا بلالے امہات المومنین دا ذکر کیتا ہے فقیر طالب علم نے بسم اللہ بسم اللہ سونا عقیدہ بسم اللہ سونا عقیدہ بیٹی صدیق دے سائیں دی رفیقہ بیٹی صدیق دے سائیں دی رفیقہ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی شیر آخری سن والا ہے بسم اللہ سونا قصیدہ سونا ہے کہ نہیں بھائی جنہوں صحابہ تے امہات المومنین اہل بیت نال پیار ہے او کہے بے شک بسم اللہ سونا قصیدہ اللہ بسم اللہ سونا قصیدہ بیوی نبی دی اما خدیجہ بیوی نبی دی اماں خدیجہ ایک پروانہ میڈو ویندا پے بڑے غور نال میں گل چھڑدا نہیں آ اوے بسم اللہ میٹھے نینے بسم اللہ میٹھے نینے سونا حسن تے سونا حسین سونا حسن تے سونا حسین بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی بسم اللہ شکر شیرے لکھدا قصیدے حیدر فقیرے لکھدا قصیدے حیدر فقیرے بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی اچھی کو سبحان اللہ آخری حدیث پاک سن لو نا حضرت علی دے حوالے نال میں پڑھا تے مضمون دا نچوڑ تے خلاصہ نکل جائے نا اللہ حضرت علی امیر المومنین بن گئے نی خلیفۃ المسلمین بن گئے نے انج لوگاں نو خطاب پہ میرے علی کر دے نے تے خطاب دے اندر سوال کر دے نے آدنے لوگو والا دسوخا نبی دی ساری جماعت وچو سب تو زیادہ دلیر کونے اے ہوئی جناب علی والا سوال میں تواڈے تو بھی کر لیں دماغ والا دسو خان نبی دے صحابہ دے وچو ساری جماعت دے وچو سارے تو وڈا سب تو اچا دلیر والا کونے جی کون بولے اے دو کوئی سجے پاس بھی بول چھڑو کون والا کوئی پچھو ہی بولو نبی دے سارے صحابہ دے وچوں سب تو دلیر والا کون ہے آ دسو چلو میں تہانوں نا اچھا جناب علی سب تو دلیر نے کہ جناب عمر جڑے جناب عمر نو کہنے سارے صحابہ وچوں دلیر سیاد کھڑا کرو دو چار پانچ سات اٹھ دس بارہ پندرہ بھی بندے اچھا جڑے آندے نے نبی دے سارے صحابہ وچوں حضرت علی سب تو وڈا دلیر سی ہاتھ کھڑا کرو پندرہ وی دے بجائے کوئی چالی پنجاب بندہ ہو گیا لیکن دو فیل نے
दलील अर्ज कर कोई पूछे तो उन्होंने दलील दस दे अजे और दलील भी सही लो बुखारी दी विचो मेरे नबी जनाबे मुहम्मद फरमान ते कौल भी है मेरे अली नू इंजी अगो सियाबा ने किया साथी ने किया जी हजरत उमर दलेर सन मेरे अली भी मेरे वांगू फरमा रहे सन के नहीं उन्हें क्या जी या अली फिर तुसी दलेलो फरमाया नहीं आन सन फिर तुसी आप दसो मेरे अली ने अमीरुल मोमिनीन होण दी हसीयत नाल खुद बयान फरमाया आपने फरमाया लोगो न मैं अली नबी दी उम्मत चो सब तो ज्यादा दलेर ना उमर दलेर दलेर असी भी हाँ पर सारी उम्मत दे विचो नबी दे यार सिद्दीक तो वड्डा दलेर कोई भी नहीं हो सकता अगे दलील सुनो फरमाते ने जेड़े वेले जंगे बदर होया ते सारे सहाबे एक पासे ते नबी पाक दा खामा एक पासे लगा दिता गया ना ते मशवरा होया भाई केड़ा बंदे जेड़ा नबी दे खैमे दा पहरा देगा ना सारे सहाबा ने पहली पहली जंगे पहला पहला तजर्बा खैना अल्लाह जे सोचदे पैसन ते एक दूजे दा मुंहवें दे पैसन ना सब तो पहले सारियां दे विचों बड़े बड़े जवान भी सन हजरत उबकर वडेरी उम्र दे हो गए सन लेकिन तलवार न पके हजरत उबकर सामने आ गए सन बदर दे अंदर अन सन जाओ साथियो तुसी जंग लड़ो घमसान दी जंग लड़ो तुसी गजवा लड़ो मारका लड़ो घमसान दी जंग लड़ो ए नबी दा खैमा जाने ते मैं सिद्दीक जाना मैं तलवार फाद के नबी दे खैमे दे के कल्ला खला होवांगा तुहानू फिक्र दी लोड़ नहीं है जिहड़ा काफर आंदे आण दिओ मैं ठल लवांगा जक लवांगा ढोक लवांगा लड़ लवांगा जंग कर लवांगा सियाबा आंदे ने बदर दे अंदर पता लग गया सब तो बड़ा दलेर है ते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने ना दूजे और आखिरी दलील देना चाहता वा हजरत अली बयान करदे सन लोगो मैं निकज ना सा पर गल मैनू चंगी तरह याद है मेरे नबी जदों बैतुल्लाह दे अंदर नमाज पढ़ रहे नमाज पढ़ रहे सनना तिना ने नमाज की हालत अंदर मेरे नबी दे उत्ते गंदगी छोड़ दी है ओजरी छड़ दी है ना कूड़ा क्रिकेट छड़ दिता है ना फिर मेरे नबी दे गल दे अंदर इंज करके कपड़ा पा दिता गया इंज करके वट चाड़ के मेरे नबी नूं फां दिता काफर ने मक्के दियां सालमा ने मेरे नबी दियां अखां फर आईयां मेरे नबी नूं फां दे दिता गया और मेरे नबी तले ढह जांदे ने डिग जांदे ने उत्तों साले में कोई मौका मार दे मेरे नबी नो अल्लाह मैं कुर्बान जावा और लोगो जेड़ा कायनात दे विचो सब तो ज्यादा हुसैन और नफीस है अल्लाह के दीन के लिए कितनी कुर्बानी दे रहा है कमली वाला हुसैन का नाना कितनी तकलीफें उठा रहा है अल्लाह के दीन के लिए आप और मेरे लिए अल्लाह अकबर मेरे नबी डिगे होए ने ते जालिम मार दे पे ने अल्लाह अकबर मार दे पे ने तशद्दुद पे फिरदे ने ते गल दे अंदर कपड़ा दे के फां दिता होए ना हरम दे अंदर बैतुल्लाह दे अंदर मक्के दे अंदर और भी चंद सियाबा मौजूद सन हजरत अली आंदे मैं भी निकल जड़ा उथे साना पर किसे दी हिम्मत ना पवे के पूरा मक्के ते सारे काफर ने कौन सामने होवे कौन अगे होवे कौन का जाके छड़ावे ये ना नु रोके या गल करे ना हजरत अली आंदे लोगो ओ दिन मैं अखी वेख्या सी एक सिद्दीका दा बाप सी एक अबू कुहाफा दा बेटा सी एक अबू बकर सिद्दीक सी जड़ा सारे मजमे नु चीरता होया ते धक्के देंदा होया अल्लाह ते रौला पांदा होया अगे बढ़दा होया इन्हां दा मुकाबला करदा होया इन्हां दीआं मारां अपने पिंडे ते जिस्म वजूद ते झलदा होया अगे वध गया सी और सारे मक्के दे काफरां नूं गल नाल ला लिया सी और इंज जल्दी नाल कपड़ा कढ़िया नबी दे गल दे विचों और नबी दे उत्ते डिग जांदे ने जनाबे सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इंज करके सीने नाल लगा लैंदे ने मेरे नबी नूं जो सीने ना लगा लेना मेरे नबी नो अल्लाह एक काफर जेड़े ने मक्के दे मुशरिक ए नबी नु छड़ देंदे ने ते अबू बकर नु जुड़ जांदे ने आदने आ तेनु मजा दसनिया हमैद करन दा आ तेनु मजा चखानिया साडे सामने आण दा जदो कोई भी नहीं आया ते तू किवें साडे सामने होवे कौन तू साडे ज्ञान वाला ए नबी नु छड़ के सिद्दीक नु जुड़ जांदे ने ओ लोगो सिद्दीक मारां ते मारां खाई जा रिया है इंज करके अपने नबी नु बावंदर
लिया होया जफे ते थप्पे अंदर लिया होया ना कदी इधरों लश्कर टुरदे ते उवकर इंज लैके नबी नु टुर जांदे ने उधरों बंदे धाड़ करदे ने ते इंज टुर जांदे ने इधरों सामे बंदे आउंदे ने ते अगली गली निकल जांदे ने लैके अबू बकर नबी नु हां ना ला के बचांदा फिर रिहा है और घर लैके जा रहा है मेरे नबी नु अबू बकर सारे मुश्किलां नु अपने सीने ते झल के अल्लाह अपनी कंड ते हमले झल के नबी नु सीने नाल लगा के घर पहुंचाण वास्ते अबू बकर जा रहे और गलियां दे अंदर आवाज मारदा जा रहे अताको तुलू ना रजोलाना आईया कूला रब्बी अल्लाह आंदने इस वास्ते मार दे मेरे नबी नू कि अल्लाह दी गल करदे ने कोई जुर्म दसुआ कोई कसूर दसुआ कोई गलती दसुआ मेरे नबी दे ए हुई जुर्म ना कि अल्लाह दा दीन सुना देने आदने रब्बी अल्लाह अल्लाह रब्बी अल्लाह मेरे नबी आदने रब अल्लाह है रब रब कर देने ताई मार दे ना हजरत अबू बकर नू इन्निया सट्टा लगिया हजरत अबू बकर भी हालो बेहाल हो गए ने मां दिए घर आराम कर दुध पिलाया जाता है दबाया जाता है अल्लाह अल्लाह दुआवां कीतियां जांदियां ने बड़ियां सट्टां लग गईयां बड़ी तबीयत नसाज हो गई बड़ी तबीयत खराब हो गई जड़े वेले हजरत अबू बकर थोड़ा जिन्ना सस्ता आए ने ना जदों तबीयत बेहतर होई ना मां दिए हुण बेटा तेरा की हाल है सट्टां बड़ियां लगियां सन तेनों रिश्तेदार आ गए ने प्यो आ गए ना जड़े वेले सारा बेड़ा भरिया होए ते अबू बकर जदों बोले ने आदने मैनू छड्डो कोई बंदा जाओ आ पता करके मैनू आके खबर दे के दसो मेरे नबी दा केड़ा हाले अल्लाह ते मां दिए बेटा अबू बकर अजे भी नबी दा हाल पुछना है पिया उदो मां मुसलमान नहीं सी फरमाया मां ए ते एक जान है ना हजार जान होवे कमली वाले तो कुर्बान कर देवा पर कमली वाले दे पैर दी तली अंदर कंडा चुभे सिद्दीक बर्दाश्त नहीं करेगा हजरत अली आदने अगर सब तो ज्यादा दलेर में वेखे उस दिन मुल्क दे सामने आन वाला हरम दे अंदर ते अबू बकर सिद्दीक वेख्या है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन इतना मकाम है इतना शान है इतने फजाइल ने और इतने दलायल ने कि खत्म होने दरे हाथा नहीं हो सकता बस इकबाल ने मुकदी गल मुकाई परवाने को चिराग बुलबुल को फूल बस और सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।